मेरा सवाल वैसे आप सबसे है, जैसे जो ट्रेलर में हमने देखा कि शादी को लेकर के एक किस्म का डर दिखाया जा रहा है कि मतलब अलग अलग स्टेजेस पे है शादी हो रही है तो कैसे कैसे प्रेशर्स होते हैं। आप लोग मतलब करीना आप शादीशुदा हैं, कैसा आप लोग सोचते हैं शादी कितना एक लड़की के लिए मतलब एक प्रेशर होती है या किस तरह का दबाव होता है, कैसे आप लोग सोचते हैं शादी को लेकर के? I think you can kill this answer. मैं बिल्कुल मुझे लगता है कि इस फिल्म में बहुत एक अच्छी और ख़ास चीज़ ये है कि हमने बिल्कुल जो रियल है, जो पॉसिबल है, जो लड़कों के लिए पॉसिबल है वही लड़कियों के लिए पॉसिबल है ऐसा दिखाया है। तो हमने कहीं पे शादी को लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शंस हो सकते हैं और हमने वही दिखाया है। मेरे को पर्सनली लगता है कि शादी एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। एक ज़माना था हमारे देश में जहाँ पे शादी ज़रूरी था, एक ऑलमोस्ट नेसेसरी लाइफ चॉइस था, चॉइस भी नहीं था बहुत लोगों के लिए, वो एक मतलब बस था, वो करना था। आई थिंक अब वो बदल रहा है, कई ज़्यादा लड़कियों के लिए शादी एक रियल सेंस में चॉइस बन रहा है, जो कि अच्छी बात है। लड़कों के लिए भी होना चाहिए, सबके लिए पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। Honestly, ये फिल्म है, इट्स अबाउट फोर गर्ल्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस। तो एक की शादी हो रही है, एक की शादी हो गई है, एक का डिवोर्स हो रहा है और एक की शादी हो रही नहीं है। तो देयर आर लाइक फोर गर्ल्स हु आर जस्ट एट एन अनसर्टेन एज, लाइक वी सेड, और अनसर्टेन टाइम, और इट्स अ रेवलेशन। देयर आर लॉट्स ऑफ, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, बहुत ही फनी फिल्म है, पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं फिल्म में जो बहुत आसानी से आपको दिखाई देंगे पर बहुत ही एंटरटेनिंग वे में दिखाई देंगे, पर डायलॉग और कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छे रियल। हाँ,